हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल स्पाइसी वेजिटेबल मैगी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गरम कर लिया है, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल। 2 टेबलस्पून लिया है मैंने ऑयल और यह है मस्टर्ड ऑयल। और इसको थोड़ा सा हम गर्म हो जाने देंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक। तो ये गार्लिक डालने से मैगी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ऐड करके देखिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन। मैंने एक बड़ा सा अनियन लिया था जिसको मैंने फाइन सी चॉप कर लिया है, और इसको हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन चले जाए तब तक हमको इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए, फिर हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल। मैंने लिया 1/4 कप मटर, 1/4 कप गाजर और लेंगे 1/4 कप कैप्सिकम। साथ ही इसमें जाएगा टमेटो, तो मैंने एक मीडियम साइज़ का टमेटो लिया है जिसको फाइन चॉप कर लिया है। इस वेजिटेबल के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, सो दैट ये वेजिटेबल जल्दी से कुक हो जाए। और आपको इसमें से जो वेजिटेबल नहीं पसंद उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्न हो गया, ब्रोकली हो गया, तो आप अपने पसंद का ऐड कर सकते हैं। इसको हमको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। इसको आपको यहाँ पर एकदम फुली कुक नहीं कर देना है, इसमें थोड़ा सा क्रंच रहेगा बट ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, इतना हमको इसको कुक करना है। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मसाला, तो जैसे इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, मैंने लिया है 1/4 टीस्पून, और जाएगा चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। इसको हम थोड़ा सा इसके साथ भून लेंगे, सो दैट हल्दी का जो कच्चा स्मेल है वो ना रहे। तो कुछ 30-40 सेकंड के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। मैंने 2 मैगी बनाना है तो इसीलिए मैंने 2 कप पानी यहाँ पर ऐड किया है, और इसको हम थोड़ा सा एक बॉयल आने जाने तक वेट करेंगे। तो ये देखिए, हमारे ये पानी में अच्छा से बॉयल आ गया है, तब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मैगी। मैंने 2 मैगी लिया है, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा जो मैगी के साथ है, मैगी का जो टेस्ट मेकर आता है उसको। तो 2 मैगी लिया है मैंने, 2 टेस्ट मेकर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। मैगी को हम थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल के साथ। ये देखिए, और हम अब इसको कवर करके बस 2 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो गया है, हमारा मैगी अच्छा से कुक हो गया है, और इसका जो पानी था वो भी इसने सोख कर लिया है। तो मैगी यहाँ पर फुल्ली कुक्ड है, पानी इसमें एक्स्ट्रा नहीं बचा है। आपको अगर और भी लिक्विडी मैगी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ये देखिए, तो मैगी हमारा यहाँ पर डन हो गया है, ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। इसमें हम इसको फिनिश करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा ग्रीन चिली के साथ, सो दैट जिसको ग्रीन चिली चाहिए होगा वो ले सकते हैं, और जिनको नहीं चाहिए वो निकाल सकते हैं। चलिए इसको सर्व करते हैं। मैं ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रही हूँ, आपको नहीं चाहिए तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये मैगी मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है विथ वेजिटेबल। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेम्पटिंग बनती है। अगर रेसिपी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।